मुंब्रा में 7,500 से ज़्यादा एंटीजन टेस्ट। रंगभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। मुंब्रा कौसर शहर में टीएमसी की ओर से एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट कराएं। रेती बंदर से लेकर कौसा तक टीएमसी की ओर से हर नुक्कड़ गलियों में इसके कैंप लगाए जा रहे हैं। अब तक तकरीबन 7,500 से ज़्यादा लोगों ने ये टेस्ट कराया है। इस मौके पर डॉक्टर शफीक और टीएमसी के कर्मचारी से जानते हैं कि इस मौके पर उन्होंने क्या कहा। इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुँचे। ये एंटीजन मुंब्रा वालों की बहुत अच्छा है और टीएमसी ने जो कदम उठाई है एंटीजन टेस्ट करने का, इससे जो पहले मुंब्रा नेगेटिव हुआ था, मैं अभी एक एंटीजन टेस्ट करे तो उससे पॉजिटिव आ रहा है। तो इससे मतलब है कि ये काम बहुत अच्छा हो रहा है और टीएमसी जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। अभी तक ये कैंप कहाँ कहाँ लगाया गया है और कितने टेस्ट अभी तक उसमें कितने पॉजिटिव? ये जो कैंप जो है हर एरिया के कॉर्नर पे लगा रहे हैं, रोड पे बोलो, सोसाइटी, तनवा नगर, चांद नगर, ऐसे जो है वहाँ कॉर्नर पे लगा रहे हैं। अभी जो किस्मत कॉलोनी में लगे 112 हुए हैं और इसमें 2 पॉजिटिव आए हैं और एक कैंप लगा हुआ है तनवा नगर के गेट के अपोजिट रोड साइड में। अभी तक टोटल कितने टेस्ट हो चुके हैं? अभी तक टोटल 7,500 टेस्ट हो चुके हैं। उसमें से कितने पॉजिटिव हैं? उसमें से पॉजिटिव 400-500 होंगे। उनका इलाज कहाँ और कैसे चल रहा है? उनका इलाज स्टेडियम में जो क्वारंटाइन हॉस्पिटल बने उसमें होता है। तो जिस तरीके से हमारा इस पर कोरोना बढ़ा था, कम हो गया, कंट्रोल किया, प्रशासन ने काफ़ी सख्ती दिखाई और एक बार अभी फिर है कि फिर अभी 10, 12, 14, 15 ऐसे केस आ रहे, क्या कहेंगे उसको लोग, किस तरीके की सावधानी? एक्चुअल में पैसे पहले कैसा था, लॉकडाउन में घर में रहते थे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते थे और अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये एंटीजन उस वक्त नहीं था, अभी एंटीजन टेस्ट करने पे लोगों को मिल रहा है कि पॉजिटिव आ रहे हैं, 2-4 जो डेली पॉजिटिव आ रहे हैं, इससे मुंब्रा के वो बढ़ रहे हैं। क्या मैं यही चाहूँगा कि मैं यही चाहूँगा कि मुंब्रा की आवाम से वो अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाए और थोड़ा एहतियात से रहें। जो एंटीजन टेस्ट हो रहा है टीएमसी की तरफ से, तो नागरिकों से, लोगों से क्या अपील रही है? मेरा यह कहना है कि भाई सभी लोगों ने आना चाहिए, ये सभी के लिए हैं। और जब आप खुद आओगे तो आपके मतलब कैसा होगा कि ठीक तरह से आपको पता होगा कि भाई मैं नेगेटिव हूँ, तो आपके मतलब प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। हमारा ये कहना है कि सभी आ जाओ। लोग कहते हैं कि हमें ज़बरदस्ती करते हैं, हम ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। हमें यह खुद का कहना है कि आप आ जाओ, आप टेस्ट करो, जाओ आप उनको में, हमको सबको बोलते हैं। तो जिस तरीके से लोग खुद से कॉपरेट कर रहे हैं, चाहे दुकानदार हो चाहे हेल्पर्स हो, तो किस तरीके से कॉपरेट कर रहे हैं आपके पास आ रहे टेस्ट के लिए? आ रहे हैं ना, जो है हमारे वागमारे है, हमारे डॉक्टर साहब हैं, आ जाओ, ये जो है ये भी हमारे सरकारी हैं, वो सबको बताते हैं, सब आते हैं, कॉपरेट करते हैं। नहीं, कई कई लोग हैं ना जो करते नहीं हैं, जो हमारे उनसे कहना है कि आप आ जाओ। कोरोना को लेकर प्रशासन खास करके ताने महानगर पालिका काफ़ी सतर्क है, काफ़ी अलर्ट है, तो क्या कहेगी उसको? नहीं, अलर्ट तो है, सभी काम चल रहा है। अभी आप जब डॉक्टर साहब बोले कि सभी काम चल रहा है ठीक तरह से, कोरोना का भी जो प्रमाण जो है वो कम हो रहा है, वो हमारा डेली का मतलब कि टेस्ट जो ज़्यादा टेस्ट हो रहा है, पॉजिटिव कम मिल रहे हैं, तो ऐसा है कि भाई कम है पॉजिटिव का जो प्रमाण है वो कम है। टीएमसी इसमें एक्शन ले रही है। नागरिकों की तरफ से, लोगों की तरफ से जो लापरवाही हो रही है उसके लिए बहुत आप खुद देख रहे होंगे कि बहुत लापरवाही हो रही है। तो लोग सुनते नहीं, लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ तो हो रहा है, यहाँ कुछ तो गड़बड़, लेकिन हमारे कहने की आ जाओ आप, कोरोना को आपको पता है कि कोरोना कैसा भयानक है, महामारी चल रही है अभी, तो महामारी को रोकने के लिए आप खुद आगे आ जाओ और इसको रोकने के लिए आप खुद हमें मदद करो। आप आओगे, मदद हमें करोगे, आप टेस्ट करवाओगे तो ये प्रमाण जो है वो कम हो जाएगा। तो इसी कारण ये चल रहा है अभी और ये चलता है। मतलब हमारा है कि हमारा ऐसा टारगेट है कि एक भी नहीं छूटना चाहिए इसमें से, सबका टेस्ट हो जाएगा, सबका ये करेंगे, लेकिन सहकार्य सहयोग जरूरी है लोगों का।